प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। साईप्रणाम श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपने मीडिया धर्म का पालन करते हुए हम पूरे गोरखपुर की जनता और अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें और अपना ख्याल रखें। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे गोरखपुर, किया जिला समन्वय समिति के साथ बैठक, कहा गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी करेगी विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत। शहरी और ग्रामीण पत्रकारों के साथ सीडीओ हुए रूबरू, सुनी समस्याएं, दिया आश्वासन। अब एक संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद घरों में होगा निःशुल्क सैनिटाइजेशन का काम, भूतपूर्व उपनिदेशक भारत सरकार ने किया गोरखपुर में उद्घाटन। प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, कर रहे हैं पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग। और ज्योतिषाचार्य ने बताया मलमास माह का महत्व, तो कई गुना मिल सकता है इस महीने में दान देने का फल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को गोरखपुर पहुंचे, सर्किट हाउस में जिला समन्वय समिति की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए वो आए थे। संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया की इस दौरान बैठक हुई। इस दौरान देवरिया उपचुनाव को लेते हुए बैठक आयोजित की गई थी। देवरिया सदर विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद खाली हुई देवरिया सदर सीट, साथ ही साथ 25 को दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक बीजेपी अपना विभिन्न कार्यक्रम शुरू करेगी, ये सभी बातें इस बैठक में तय की गई। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, इसके यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में अब 14 से 20 तक मनाया गया है। आगे का कार्यक्रम 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम है। हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती 25 सितंबर को है। उत्तर प्रदेश के सभी बूथ समिति अपने बूथ पर, सभी सम्मानित बूथ समिति अपने बूथ पर एकत्रित होकर पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जन्म जयंती मनाएंगे। ये बैठक में ये निर्णय लिया गया और बाकी के कार्यक्रम आत्मनिर्भर जो पैकेज है आदरणीय मोदी जी द्वारा और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती अवसर तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, इसीलिए बैठक संपन्न। सर लगातार सर जो देवरिया में भी सर चुनाव है उसको भी लेकर सर बैठक, देखिए चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे शिक्षा का स्नातक का चुनाव हो, सभी टीम अलग अलग है और सब टीम अलग अलग बनी हुई और सब चुनाव देख रहे हैं अपने। आपकी मॉनिटरिंग में सर क्या देवरिया में चुनाव लड़ेगी? नहीं, चुनाव तो होगा ना, चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, वहाँ प्रभारी बना दिए गए, मंत्री प्रभारी लड़ेंगे, लेकिन सर दिशा निर्देश तो आपके है, वहाँ पर सतीश उपाध्याय जी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, सतीश द्विवेदी जी, और देख रेख में आदरणीय शाही जी हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री त्रिम्बक तिवारी जी हैं और उनके देखरेख संगठन की तरफ से देखरेख कर रहे हैं पूरा। चलिए अब रुख करते हैं पत्रकारों से जुड़ी एक विशेष खबर से। प्रेस और पत्रकारों की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से पत्रकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सीडीओ
इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों वर्ग के पत्रकार मौजूद रहे। इस दौरान CEDO ने उपस्थित पत्रकारों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। नहीं चाहेंगे सर, अगर कोई इस तरह से बात आती है तो हम बाहर वाले हैं, लिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि तो समाज में सब लोग एक तरह से तो है नहीं सर। अगर जिसके खिलाफ लिखा जाएगा वो सही रहते हुए भी आपको गलत मानेगा। तो अगर सर, मैं रशाद लारी को टाइम्स नाउ चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से पत्रकारों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो परेशानियाँ हैं और खुद मैं उन चीज़ों से रूबरू हूँ। आपसे मेरा मेरी मुलाकात का भी मौका नहीं मिल पाया, मैं कई बार सोचा कि चलूँ आपके पास। और CEDO साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी तमाम परेशानियाँ हैं, लेकिन चूँकि ये संक्षिप्त परिचय है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पब्लिश कर दें या हम उसको टेलीकास्ट कर दें। उस वक्त हम दर भटकते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं रिसीव होता है, क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, मसरूफ होते हैं, जाहिर सी बात है उसका मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, फोन क्यों नहीं उठता है। लेकिन लगातार ढूंढने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए मिल गए मौके पे, ऑफिसर हमें बयान दे दिया, कभी इसके कहीं तफ्त कह देते हैं। लेकिन इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़िला स्तर पर एक ऐसे ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाए जो शाम के टाइम में पुलिस लाइन में, जैसे पहले ब्रीफिंग होती थी 2007-08 में, कप्तान साहब ने सब कर रखा था कि शाम को जैसे जो प्रेस रिलीज नोट कप्तान साहब के मीडिया सेल से जो हमें रिलीज आती है, उसी रिलीज को बोलने के लिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे। और कोई एक ऑफिसर हो जो 10 मिनट आए पुलिस लाइन में बोले और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सारी चीज़ों पे उनसे सुन लें। और उसमें बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं कि जो रोज़ रिलीज जारी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब खबरें टीवी चैनल के लिए नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं उसके लिए बयान नहीं मिलता, खबरें यही रह जाती हैं या विरोधाभास होता है खबरों में हुई है। और सूचनाएँ फिलहाल जो भी सूचनाएँ बताने वाली होती हैं तो मीडिया से माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास करते ही हैं। फिलहाल सभी अधिकारी जो जहाँ मिल जाए, खासतौर से हम 5 एस पी साहबान हैं, SSP साहब भी हैं, और मौके मिल गए जहाँ मिल गए तो अपना बाइक देते रहते हैं। कभी बात हो जाता सर कि सभी लोग मौजूद नहीं हो पाते हैं, अभी अभी देर से आए किसी कारण से, तो उसी में थोड़ा बहुत बाकी तो जो आप कह रहे थे मेरे ख्याल से सर से मैं अपनी बात करूँगा कि अगर शाम को डेली 8 बजे 7:15 जो भी एक समय है, जैसे लखनऊ में था, लखनऊ में देखता हूँ कप्तान साहब की कैब पर डे पे ही वहाँ होता है लोग अपना 3-4 इंस्पेक्शन सब डी को देते और सर मैं चूँकि अभी कहना चाहता था आपके लिए, अभी SP क्राइम साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, अभी इसके कोई अधिकारी या डिप्टी SP रैंक के एडिशनल साहबान जैसे किसी एक को नियुक्त कर दिया जाए जो हमें ब्रीफ कर दिया करें आसानी से, तो कोई भी जाके अपनी खबरों पे वहाँ पर डे की खबरों से भी अपडेट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई हम कोरोना काल में काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हम लोग को कोरोना योद्धा का श्रेणी में डाला था कि आप कोरोना हैं और फोर्थ पिलर हम कहे जाते हैं समाज के चौथे स्तंभ, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये मेरा आपकी पत्रकारिता करते हुए, अगर वो एक ईमानदार पत्रकारिता कर रहा है तब खास से वो प्राइवेट पैनिसिया में इलाज को बंद कराना चाह रहा हूँ। और ये बातें बहुत पहले से जुड़ती रही हैं और कुछ पहले का कप्तान साहब ने इसको कराया था। जैसा कि हम सबको मालूम है, कोरोना काल में सैनिटाइजर किस तरह से अपना मकाम जो कि खोया हुआ था वापस ले लिया, लेकिन अगर आपको अपने घर या ऑफिस को सैनिटाइज करना हो तो ऐसे में आपको प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जाना होगा, जिसमें आपको भारी भरकम और अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अब गोरखपुर में एक ऐसी संस्था है जो ये काम पूरी तरह से निःशुल्क करेगी। वासुदेव सेवा संस्थान की ओर से ये फ्री सैनिटाइजेशन डोर टू डोर ज़रूरतमंदों के लिए मुहैया होगा। इसी काम को सफल बनाने के लिए बापू धाम ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वासुदेव सेवा संस्थान ने यह संकल्प लिया है कि इसी के तहत इसका उद्घाटन करने के लिए भूतपूर्व उप महानिदेशक भारत सरकार अजय प्रकाश पाठक एवं मंजू बाला पाठक ने फीता काटकर इस जन सहयोग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान संस्थान के महासचिव तारकेश्वर ओझा, अध्यक्ष मिंटू जायसवाल, उपाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद रहे। सब लोग
और कोई कहे कि बापू धाम ट्रस्ट पड़े, इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व उपनिदेशक भारत सरकार ने बताया, मैं आज हम लोगों ने फ्री सैनिटाइजेशन का उद्घाटन किया है। जो हमारी ये ट्रस्ट है, संस्था है बाबूधाम ट्रस्ट, हम लोग इस ट्रस्ट के द्वारा 2008 से गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जैसे गरीबों की हमारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इंदिरा आवास, मनरेगा, उसमें लोगों को जागरूक करते हैं, उसमें लोगों को हम लोग मदद करते हैं ताकि उन लोगों को किसी कोई उन लोगों को परेशान ना कर सके। गरीबों की सेवा करते रहते हैं, कंबल बांटने का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, छठ में हम लोग और भी कार्यक्रम करते हैं, लोग साड़ी बांटना, उनका छठ का व्रतियों का सामान बांटना, प्लस हेल्थ कैंप्स लगाने का काम होता है, आई कैंप्स लगा के काम हम लोग फ्री में गरीबों को सेवा करते हैं। उसी तरह उसी कड़ी में इस कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मास्क बांटा, सैनिटाइजेशन बांटा, प्लस आपका साबुन दिया, फिर 50,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने राशन उपलब्ध कराया। और उसी के काल में कड़ी में आगे बढ़ करके हम लोगों ने ये सोचा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम सैनिटाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइजेशन करेंगे घरों का। जनरली सरकार जो गलियों का सड़कों का कर रही है, लेकिन हम लोग घर का सैनिटाइजेशन करते हैं, जिसमें कि WHO अप्रूव्ड केमिकल्स इसमें यूज होता है, और बाहर का भी करते हैं हम लोग। तो चलिए, अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और कर्मचारियों के प्रति सरकार विरोधी नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रधान डाक घर के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुरानी पेंशन को लागू करने और कर्मचारियों के शोषण ना करने की मांग की गई और साथ ही में सेवानिवृत्ति की आयु को भी कम ना किया जाए सरकार की ओर से, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डाक कर्मी जनार्दन सिंह ने बताया, सुबह 7 बजे से कर्मचारी ड्यूटी आता है, रात को जो है 8 बजे 9 बजे तक जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको प्राइवेट की तरह से जो है इस तरह से जो है टारगेट दिया जा रहा है कि इसको पूरा करिए, नहीं तो आपके जो है डॉक्यूमेंट को ख़राब कर दिया जाएगा, आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है शासन और प्रशासन जो है कर्मचारियों के विरोध में जो है खड़ा है। इसी के विरोध में हम लोग आज है प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडित आलोक मिश्र ज्योतिषाचार्य, जो कि कुंडली और ज्योतिष विज्ञान के बड़े ही मर्मज्ञ हैं, उन्होंने मलमास माह के महत्व और प्रकाश के बारे में मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार मलमास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है। मलमास को अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। मलमास में शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे शुभ और मांगलिक कार्य को निषेध मांगा गया है। मलमास में पूजा, व्रत, उपासना, दान और साधना करना सर्वोत्तम भी बताया गया है। इस समय किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। इसके बारे में उन्होंने बताया, मलमास हिंदू पंचांग के अनुसार और ज्योतिष ग्रहों के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है। सूर्य 365 दिन 6 घंटे लेता है एक वर्ष पूरा करने में और चंद्रमा 354 दिन का समय लेता है। इन दोनों के जो समय अंतराल होता है वो 11 दिन का होता है एक साल में, और मलमास हर 3 साल पर एक बार लगता है, जिसमें ये 33 दिनों का अंतर आ जाता है सूर्य एवं चंद्रमा के दूरी पर, और इसी वर्ष से ये अधिक मास मलमास लगता है। मलमास या अधिक मास में कुछ धार्मिक कार्यों एवं संस्कारों को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन कार्य, शादी विवाह, जनेऊ आदि कार्य निषेध माना गया है। लेकिन किसी जातक को या किसी व्यक्ति को खरीदारी करनी है, कपड़े की, ज्वेलरीज की, सोने की, आभूषण, वस्त्र जो भी हैं वो आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। इस मलमास में ये बहुत ही सर्वोत्तम महीना माना जाता है भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना के लिए। इसमें अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना किया जाए तो कई हजार गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अपने सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखते हुए देखते रहिए श्रीवन चैनल। साई प्रणाम।